दिस इज वीडियो नंबर फोर ऑन काइनामेटिक्स और इसके अंदर हम एवरेज स्पीड पर कुछ नूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट इज दिस वन नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं स्टिल लेकिन मैंने बताया ना आपको कि हम अपना मोमेंटम पकड़ने के लिए आता आहिस्ता आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये सब पहले छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस टॉपिक के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वट दीज टॉपिक्स वॉन्ट टू कन्वे टू अर्स मतलब कैसे चलना है इसमें दिस इज द वे एक्चुअली जिससे हम आगे बढ़ेंगे अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट फोर्टी मीटर पर सेकेंड एंड फ्राम बी टू ए सिक्सटी मीटर पर सेकेंड मतलब पहले ए से बी पे गया कितना टाइम लगा सॉरी कितना विलोसटी है स्पीड है स्पीड है फोर्टी मीटर पर सेकेंड और जब बी से ए आया तो कितनी स्पीड है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड तो एवरेज क्या हो अब लगने लगता है एवरेज है जाते टाइम ये आते टाइम ये एवरेज हो गया पचास तो गलत लगता है ठीक है तो ऐसे गलती नहीं कर लेना कहीं डायरेक्ट करने में इसका सिंपल फार्मूला है जो हमने याद रखना है कि एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिटेंस ट्रैवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन याद रखना है प्लीज ये फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है हर बार तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं डिस्टेंस तो दिया नहीं है एक्स ले लो एक्स ले लो ये है ना जर्नी है आपकी एक्स जाने की एक्स आने की तो हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन क्या करेंगे टू एक्स अपॉन अपॉन टाइम चाहिए टाइम तो है नहीं हमें बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए कि टाइम कैसे कैलकुलेट होगा आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो एक्स अपॉन पहला एक्स जो पहला एक्स डिस्टेंस है वो कितनी देर में कितनी वेलोसिटी फोर्टी प्लस एक्स अपॉन सिक्सटी सिंपल अब इसकी कैलकुलेशन करो यू विल गेट द रिजल्ट यू विल गेट द रिजल्ट टू एक्स अपॉन कितना आएगा इसका एलसीएम क्या आएगा सिक्सटी और फोर्टी का सिक्सटी और फोर्टी का एलसीएम आता है वन ट्वेंटी ठीक है वन ट्वेंटी तो थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स तो फाइव एक्स और ऊपर कर दो 120, ट्वेंटी फाइव एक्स वन ट्वेंटी आ गया ना तो ऊपर लिख दिया वाइव वन ट्वेंटी एक्स एक्स कैंसिल होना चाहिए था ठीक है उसके बाद आंसर क्या आया 240 फोर्टी ओपॉइन फोर्टी मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आ गई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड दिस इज द ओनली वे टू डू दिस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर बाई चांस ये जो डिस्टेंस है ना जो इसको दो का दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो स्पीड आपको इसकी और इसकी गिवन है अगर इस तरह से आपको गिवन हो कि डिस्टेंस बराबर हो तो एक डायरेक्ट मेथड भी है करने का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो अगर डिस्टेंस बराबर हो तो अगर डिस्टेंस बराबर नहीं हो फिर नहीं चलेगा ये हाँ डिस्टेंस बराबर हो तो आंसर आता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है लेकिन फार्मूला बेसिक वही है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू टू इंटू सिक्सटी इंटू फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड ठीक है हंड्रेड से ये कैंसिल हो गए दोनों आंसर आ गया फोर्टी एट मीटर पर सेकेंड कब ये फार्मूला कब लगेगा हर वो फॉमूला हर बार लग सकता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ये लेकिन ये वाला फार्मूला कब लगेगा ये फार्मूला सिर्फ तब लगेगा वैन डिस्टेंस इज सेम वैन डिस्टेंस इज सेम मतलब दो जो विलासिटीज़ दी हैं उसके लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए जो 40 मीटर पर सेकेंड की वो भी डिस्टेंस वही है और इसका भी वही डिस्टेंस है इफ़ डिस्टेंस इज वैन डिस्टेंस इज सेम ठीक है अब आगे चलते हैं

क्या आएगा देख क्या गिवन है टू इंटू थर्टी इंटू एक्स दूसरी स्पीड आपको गिवन नहीं है ठीक है ये थर्टी लिया मैंने दूसरा एक्स मान लेते हैं डिवाइडेड बाय थर्टी प्लस एक्स इज़ इक्वल टू कितना एवरेज कितना आ रहा है फोर्टी निकाल लो खत्म कहा सिक्सटी एक्स अपॉन थर्टी प्लस एक्स सिक्सटी एक्स इज़ इक्वल टू वन टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस फोर्टी एक्स ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड अपॉन्ट ट्वेंटी सिक्सटी सिंपल तो सिक्सटी किलोमीटर पर की हार की स्पीड से चलेगा वो अगला थर्टी किलोमीटर तो उसका एवरेज कितना बनेगा फोर्टी ठीक है ये भी हो गया बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड यू नेक्स्ट वन आर अब तीन पार्ट्स में ये डिवाइडिड है कुछ नहीं तीन पार्ट्स में डिवाइड है एक्स 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 एक, मान लो जर्नी को ऐसे है ये एक्स 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 एक, एक, यहीं तक यह है ये आपका इनिशियल पॉइंट ये आपका फाइनल पॉइंट फाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया है इसने एक्स डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस ठीक एक है तो कुछ नहीं थ्री एक्स हो गया टोटल टाइम टेकन अब तीन में डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट फॉमूला नहीं लगाना ठीक है तो थ्री एक्स थ्री एक्स अपॉन एक्स अपॉन यू प्लस एक्स अपॉन वी प्लस एक्स अपॉन डब्ल्यू तीनों स्पीडें दी हुई हैं एवरेज स्पीड निकालनी है, निकाल है। खत्म हो गया कर दिया एवरेज स्पीड यही है दिस इज एवरेज स्पीड कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें सिंपल क्वेश्चंस थे ये इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है ठीक है कर लो इसकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे इसकी कैलकुलेशन खुद करोगे यू वी डब्ल्यू इसका वो आ जाएगा एलसीएम ठीक है यू वी डब्ल्यू एक्स एलसीएम आ जाएगा यू एक्स प्लस वी वा एक्स ऐसे करके करो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली आंसर दे दो इसका ठीक है फिर आ गया कि अगर कभी ऐसा हो क्या कभी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है वी वन प्लस वी टू अपॉन टू एवरेज एवरेज स्पीड ही नहीं एवरेज स्पीड वी वन प्लस वी टू यस अगर एक जर्नी ऐसी है जिसके अंदर आपको टाइम जो दिया है ना वो सेम दिया है अगर ऐसा हो तो जैसे डिस्टेंस की लैंग्वेज में नहीं उसने टाइम की लैंग्वेज में बात किया कि भाई फर्स्ट वन आर के लिए उसकी स्पीड थी थर्टी किलोमीटर पर आर और अगले वन आर के लिए उसकी स्पीड थी सिक्सटी किलोमीटर पर आर अगर ऐसे बात की गई है ध्यान देना ये डिस्टेंस नहीं है डिस्टेंस तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा होगा वन आर के लिए उसने थर्टी किलोमीटर पर आर थी और नेक्स्ट वन आर के लिए सिक्सटी किलोमीटर पर आर थी तो आप बोलोगे उसकी एवरेज स्पीड थी फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आर सिक्सटी प्लस थर्टी अपॉन टू एवरेज डायरेक्ट डायरेक्ट एवरेज कब ले सकते हो डिस्टेंस की लैंग्वेज में अगर दिया हो यही क्वेश्चन देखो ये समझ आ गया ना अगर यही क्वेश्चन सेम लेता हूँ लेकिन अगर उसने डेटा ऐसे दे दिए नहीं भाई इधर उसने फर्स्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल किया टू किलोमीटर थर्टी की स्पीड से और अगला टू किलोमीटर सिक्सटी की स्पीड से पहले आर्स की लैंग्वेज में दिया था पहले टाइम की लैंग्वेज में दिया था अब इस बार किसकी लैंग्वेज में दे दिया स्पीड की तो यहाँ पे v1 वन प्लस वी टू नहीं लगेगा फिर यहाँ क्या लगेगा यहाँ डिस्टेंस सेम है यहाँ डिस्टेंस सेम है तो यहाँ क्या लगेगा यहाँ लगेगा टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू लेकिन अगर डेटा इस तरह का गिवन हो कि भाई ना ऐसे दिए कि फर्स्ट टू किलोमीटर उसने ट्रेवल किया फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से और अगला फाइव किलोमीटर कवर किया हंड्रेड किलोमीटर पर आर की स्पीड से कुछ भी कुछ भी ठीक है ऐसा किया तो यहां पे क्या लगाएंगे यहां पे ना टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू लगेगा और ना यहां पे वी वन प्लस वी टू अपॉन टू लगेगा क्योंकि ना यहां पे टाइम बताया कि भाई टाइम कितना बराबर लगा या नहीं लगा ना यहां पे डिस्टेंस बराबर है इसलिए यहां पे क्या लगेगा टोटल टोटल क्या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन निकालो टाइम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन दिस टू अपॉन फिफ्टी प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड ऐसे करके आंसर आ गया एवरेज स्पीड का टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर दैट इज़ अ यूनिवर्सल फार्मूला बट अगर कुछ स्पेशल केसेस दो आ जाएं अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो क्योंकि बहुत बार ये ऐसा करते हैं एग्जामिनर्स कि वो डिस्टेंस बराबर दे देते हैं या टाइम बराबर दे देते हैं तो फिर फिर आपको पूरा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का थैंक यू वेरी मच